हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ अमोल चौहान एंड आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू आउट योर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस फॉर द ईयर 2024-25। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज अ रियली कन्फ्यूजन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स कि कॉलेज चूज करें अच्छा या फिर अच्छी ब्रांच चूज करें, ठीक है। और यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन होता है कि ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करें क्या, ठीक है। तो ये एक ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कंसेप्ट क्या है, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ विथ एन एग्जाम्पल। उसके बाद हम आगे के उसके फायदे क्या है और उसके लॉस या फिर उसका आगे जाके चार साल के बाद जाके क्या आपको प्रॉब्लम हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नाउ कमिंग बैक टू द टूडेज टॉपिक, दैट इज ब्रांच कॉम्प्रोमाइज। ओके, तो यहाँ पे देखो, आई विल गो टू द लास्ट ईयर्स मेरिट लिस्ट। जो लास्ट ईयर का जो मेरिट लिस्ट है जो CET के वेबसाइट पे है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। चलो, तो यहाँ पे देखो, आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, दैट इज VJTI, माटुंगा मुंबई। अब यहाँ पे देखो, आप थोड़ा समझ के लो और फिर आपको समझ में आएगा कि ब्रांच या फिर कॉलेज, ठीक है। VJTI मैंने आपको पहले ही कहा है कि दिस इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस ओवर COEP, ठीक है। लास्ट ईयर तक मैं COEP को ही हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस देता था, बट इस साल मैंने VJTI को दे दिया है और उसके रीजन क्या है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, मैं दो ब्रांचेस को कंपेयर कर रहा हूँ। दिस इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर दिस ईयर, फर्स्ट प्रेफरेंस VJTI, ओके। और उसमें देखो दो ब्रांचेस है यहाँ पे, अगर आप देखते हो, एक है कंप्यूटर जो ट्रेंडिंग है अभी, ओके, हाईली मेरिट लगता है यहाँ पे, हाई मेरिट लगता है, और दूसरा है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो डिफरेंस, देखो सेम कॉलेज है, ओके, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, बट मेरिट देखो अब यहाँ पे यू कैन सी योर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 99, ओके, 99 पे क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, 99 पे क्लोज हो रहा है। वेयर एज अगर हम सिविल इंजीनियरिंग देखते तो 5612। अब देखो किसी बंदे का मेरिट नंबर जो है वो अराउंड 5000 था, तो उसको कंप्यूटर नहीं मिल रहा है। अगर हम IT देखेंगे तो वो भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर अलाइड ब्रांचेस नहीं मिल रहे हैं VJTI में, बट उसको VJTI कॉलेज छोड़ना नहीं है, ही इज रियली इंटरेस्टेड इन द VJTI कॉलेज। तो उसके बाद ऑप्शन क्या है कि मेरा मेरिट नंबर 5000 है एंड आई कैन गेट वॉट सिविल इंजीनियरिंग, ओके। तो वो क्या सोचता है कि मैं यहाँ पे अगर सिविल इंजीनियर लेता हूँ तो मुझे VJTI कॉलेज मिल जाएगा, बट सेम टाइम वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसके ब्रांच के साथ, उसका जो फेवरेट ब्रांच है, ठीक है, उसके साथ वो क्या कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ठीक है। तो उससे अब क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी हम देखेंगे। बट यहाँ पे देखो, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है कि सेम कॉलेज है जहाँ पे मुझे एडमिशन चाहिए, बट मेरा जो फेवरेट ब्रांच है जिसमें मुझे एडमिशन चाहिए, लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर अलाइड ब्रांचेस, वहाँ पे मेरा मेरिट फिट नहीं हो रहा है। सो आई विल सर्च व्हाट अदर ब्रांचेस, लाइक यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखो, कंप्यूटर छोड़ के क्या है, IT। अब मेरा 5000 नंबर है तो यहाँ पे भी नहीं लग रहा है, बिकॉज दिस इज 243। इलेक्ट्रॉनिक्स में आया तो 1500 समथिंग है, तो यहाँ पे भी नहीं लग रहा है। तो मैं आगे जाऊँगा, आई विल चेक व्हाट, ये ENTC 669 है तो यहाँ पे भी नहीं। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर 1136, यहाँ पे भी नहीं। ये 2200 किसके लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पे भी नहीं। अब यहाँ पे जो है, दिस इज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है, और यहाँ पे 6446, मतलब मेरा 5000 मेरिट है तो मेरा सिविल में भी लग रहा है, प्रोडक्शन में भी लग रहा है फॉर द VJTI है। मैं और नीचे जाऊँगा, अगर कोई टेक्सटाइल है तो 13000 है, मतलब इसमें भी मेरा नंबर लग सकता है, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, चेक करोगे, ठीक है। तो डिफरेंट ब्रांचेस है, उसके मेरिट आप चेक करोगे, और अगर आपको VJTI ही चाहिए तो आप क्या करोगे, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर फर्स्ट ईयर में भी, ओके, सो दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आप ब्रांच कॉम्प्रोमाइज भी करते हो तो भी आपको एक चांस रहता है। वो क्या चांस रहता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, चाहे कोई भी कॉलेज रहने दो, VJTI, COEP, PICT, कोई भी कॉलेज रहने दो, ठीक है, मेरा फेवरेट ब्रांच क्या है, कंप्यूटर। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मेरिट के वजह से मेरा यहाँ पे नंबर नहीं लग रहा है, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द कंप्यूटर, आई एम नॉट गेटिंग द सीट ऑफ द कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन दिस इंस्टीट्यूट, VJTI, COEP, PICT, VIT, कुछ भी रहने दो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी को पर मुझे कॉलेज वही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, आई एल एक्सप्लोर अदर ब्रांचेस, ठीक है। फिर वो क्या रहेगा, सिविल,
मैकेनिकल, या फिर आप बोलोगे कि ENTC है, या फिर आप बोलो टेक्सटाइल है, और कुछ प्रोडक्शन भी हो सकता है, ठीक है, प्रोडक्शन। तो ये सारे ब्रांचेस अवेलेबल है, और यहाँ पे मेरा नंबर नंबर लग रहा है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे मेरा नंबर लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, देन यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, ठीक है। सो आप ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो एंड यू कैन गेट द VJTI। बट इससे भी आपको फायदा हो सकता है, देखो कैसे, मैं बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर जो रहता है, फर्स्ट ईयर, ये आप ध्यान में रखो, फर्स्ट ईयर इज कॉमन फॉर ऑल, इज कॉमन फॉर ऑल, ओके, कॉमन फॉर ऑल। अब इससे क्या होता है कि आप कोई भी ब्रांच में रहने, तो यू हैव अ सेम सिलेबस, सिलेबस आपका सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है सिलेबस में। तो जो किसी भी ब्रांच का बंदा अगर फर्स्ट ईयर पास होता है, तो ही इज हैविंग द सेम सब्जेक्ट्स, जो बाकी मतलब सब स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपने एडमिशन लिया, ठीक है, और अगर यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद बच्चे ने बहुत मेहनत की, ठीक है, बहुत मेहनत की, एंड ही टॉप द कॉलेज, ठीक है, फर्स्ट या फिर सेकेंड रैंक में आ गया, फर्स्ट और सेकेंड, लेट इट बी थर्ड तक कंसिडर करते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो नॉर्मली ये जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, लाइक से VJTI, COEP, PICT, SPIT, VIT, ये जो इंस्टीट्यूट है ना, टीयर वन आई कैन से, तो यहाँ के बच्चे ना ऑलवेज ट्राइंग फॉर द IITs, ओके। तो एडमिशन लेने के बाद भी वो कैंसिल करते हैं, ठीक है, और वो IIT के लिए जाते हैं, ओके, एक ईयर का गैप लेते हैं और फिर से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और वो IIT के लिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ सीट वैकेंट हो जाते हैं हर एक ब्रांच में, एक 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 हो जाता है, ठीक है, अगर आपका बैड लक होगा तो ही नहीं होता है, बट हमेशा एक हाथ दूसरा सीट तो हमेशा अवेलेबल रहता है फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए। मतलब फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन लिया लेकिन बीच में छोड़ दिया, उसका इंडे को हो गया, या फिर उसने सोचा कि नहीं मैं गैप लेता हूँ और फिर JEE के लिए तैयारी करता हूँ, फिर से आई विल डेफिनेटली गेट द IIT, तो इसलिए वो कैंसिल कर देता है एडमिशन बीच में ही, और फिर से पढ़ाई के लिए लग जाता है। तो ये सब चीज़ें होती रहती है, और उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे सीट्स खाली होती है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आपका नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आता है, यहाँ पे लिया आपने, मेहनत की और टॉप में आ गए आप, तो यू कैन अप्लाई फॉर वॉट सीट्स विच आर अवेलेबल इन द वॉट कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच और कंप्यूटर अलाइड ब्रांचेस, ठीक है। ये मैं किन के लिए बोल रहा हूँ कि जो VJTI, PICT, COEP ऐसे कॉलेजेस में है, उनको स्टूडेंट को, उन स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ जो टारगेट कर रहे हैं इस कॉलेजेस को, उन स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ तो फर्स्ट ईयर में कर दिया, बट अगर आप मेहनत लेते हो तो सेकेंड ईयर में आपको फिर से चांस मिलता है कि यू कैन अप्लाई फॉर द ब्रांच चेंज। एंड डेफिनेटली कॉलेज पॉलिसीज के हिसाब से ही होता है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज, ठीक है। तो कॉलेज उस हिसाब से वो नोटिस निकालता है कि सेकेंड ईयर में ये सीट्स वैकेंट है, दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन अप्लाई, और ये जो सीट्स रहते हैं दे आर व्हाट यू कैन से अवेलेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन व्हाट यू कैन से गेट द चांस टू अगेन गेट योर फेवरेट ब्रांच। तो ये ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी आपके पास चांस है। अब देखो, मैं यहाँ पे कॉन्स भी बताने वाला हूँ कि आपको ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ शुड नॉट बी डन, क्योंकि ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ आप मत करो। कॉलेज आपके पास सिर्फ 4 साल के लिए, ध्यान में रखो, कॉलेज आपके पास 4 साल के लिए, बट जिस ब्रांच में आप पढ़ रहे हो उसमें आपको लाइफ टाइम के लिए काम करना है, ओके। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको इंटरेस्ट है उसी ब्रांच में आप जाओ, भले आपको आपके व्हाट यू कैन से फेवरेट कॉलेज में एडमिशन ना मिले, बट थिंग इज दैट 4 साल निकालने के बाद कॉलेज आपके पास नहीं रहने वाला है, आपको लेकिन उस फील्ड में जिंदगी भर काम करना है, ओके। तो इसलिए अगेन इट इज़ व्हाट यू कैन अप टू यू, आप क्या सोचते हो इसके ऊपर डिपेंड है, बट एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा फॉर द ब्रांच कॉम्प्रोमाइज। तो अब यहाँ पे देखो, इफ़ आई कंसिडर कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे BTech इन कंप्यूटर, ठीक है, तो यहाँ पे इनका एवरेज पैकेज जो है, ठीक है, वो अराउंड 20 है एवरेज पैकेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाइएस्ट, ठीक है, हाइएस्ट और एवरेज में बहुत डिफरेंस रहता है, ठीक है। हाइएस्ट पैकेज जो दिखा रहे हैं यहाँ पे 57 समथिंग, वो मतलब हार्डली कुछ बच्चों के लिए रहता है, ओके। तो आप हमेशा एवरेज पे फोकस करो, ये ध्यान में रखो।
अब यहाँ पे देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। कंप्यूटर का एवरेज पैकेज 20 है, वहाँ पे अगर मैं एडमिशन लेता हूँ लेट इट बी सिविल के लिए, तो उनका एवरेज पैकेज कितना है? 7 है, ठीक है। आपने क्या किया, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर दी, तो आपके देखो यहाँ पे चांसेस क्या हो गए, 7, ठीक है। अगर मैकेनिकल लेता हूँ मैं तो आपको कितना मिल रहा, अराउंड 9। मैं यहाँ पे प्रोडक्शन लेता हूँ तो अगेन 7, और अगर टेक्सटाइल लेता हूँ तो अगेन अराउंड 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 साल के बाद आप एंट्री ले रहे हो मार्केट में, और ये सिचुएशन 4 साल के बाद क्या रहेगी हमें पता नहीं है, बट कंसिडरिंग दिस सीनारियो, तो ये पैकेज में तो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखो, अगर अगर मैं ब्रांच कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ और मैं कॉलेज चेंज कर, अगर मुझे VJT या COEP में एडमिशन नहीं मिल रहा, आई गो फॉर द PICT फॉर द सेम ब्रांच, ठीक है, PICT फॉर द सेम ब्रांच। और यहाँ पे देखो अभी मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको, अगर मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में आता हूँ, तो यहाँ पे एवरेज सैलरी जो है, ठीक है, एवरेज सैलरी पे आप ध्यान दो, अभी इन्होंने 22 एवरेज सैलरी पे आप ध्यान दो, 22-23 तक ही अपडेट किया है, तो मैं 22-23 का जो अपडेटेड या इन प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ का कंप्यूटर इंजीनियरिंग, हाँ यहाँ का कंप्यूटर यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देते हैं तो इनका एवरेज देखो कितना आ रहा है, डिपार्टमेंट एवरेज इज 13.11, और IT का देखते हैं तो 10.72। इट इज ऑलवेज, क्योंकि अगर VJTI में एडमिशन लेता हूँ और ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं, हाँ ठीक है, तो मेरा एवरेज पैकेज कहाँ पे जा रहा है, 7, 8, 9 तक, ठीक है। बट मैं सेम ब्रांच के लिए अगर दूसरा कॉलेज लेता हूँ लाइक PICT, अब PICT का जो डेटा है वो 22-23 का है, 23-24 दे हैव नॉट अपडेटेड, तो यहाँ पे देखो इनका एवरेज पैकेज 13.11, 10.72, मतलब इट इज बेटर देन, ओके, VJTI का सिविल मैकेनिकल एंड टेक्सटाइल। तो अगर आपका फेवरेट ब्रांच आपको दूसरे कॉलेज में मिल रहा है, और पैकेज भी जो आप वहाँ पे ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करके जो पैकेज ले रहे हो उससे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स यू शुड गो फॉर व्हाट, डिफरेंट कॉलेज, नॉट फॉर द ब्रांच कॉम्प्रोमाइज। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको अपने ब्रांच, अपने फेवरेट ब्रांच में आगे जाके लाइफ में काम करना है, या फिर ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करके सिर्फ 4 साल मुझे कॉलेज अच्छा लग रहा है इसलिए कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो ये टोटली अप टू यू। ओके, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, क्या क्या एक्सप्लेन किया मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो फर्स्ट वन, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज क्या होता है कि अगर मुझे कंप्यूटर चाहिए बट मेरा मेरिट नहीं बैठ रहा है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं ले सकता, बट देर आर अदर ब्रांचेस फ्रॉम द सेम कॉलेज, ठीक है, वहाँ पे मुझे सिविल मैकेनिकल वगैरह मिल रहा है इसलिए मैं वहाँ पे एडमिशन ले सकता हूँ। ब्रांच ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद फ़ायदा एक भी है कि सेकेंड ईयर में आप ब्रांच चेंज के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो, अगर अगर आपके फेवरेट ब्रांच में एक हाथ वैकेंट सीट हो जाती है, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में आपने अगर टॉप में मतलब आप टॉप में आ जाते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड में, और उतने वैकेंसीज अगर वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं तो यू कैन इजीली अप्लाई फॉर द ब्रांच ट्रांसफर, आप ब्रांच ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो वो एक ऑप्शन आपको सेकंड ईयर तक रहता है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या कहा कि ये आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो भी ब्रांच आप सिलेक्ट करोगे वहाँ पर आपको ज़िंदगी भर काम करना है, कॉलेज सिर्फ 4 साल के लिए है, ठीक है। और उसके बाद मैंने प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी बताया कि आप अभी कंप्यूटर और IT जो ट्रेंडिंग चल रहा है उनके पैकेजेस अदर कॉलेजेस में, ठीक है, कंपेयर टू दिस ब्रांचेस फ्रॉम द टॉप मोस्ट कॉलेज अच्छे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिविल मैकेनिकल टेक्सटाइल लेके मुझे 7-8 का एवरेज पैकेज मिल रहा है, वहाँ पे अगर मैं दूसरे कॉलेज में कंप्यूटर IT वगैरह ले रहा हूँ तो ट्रेंड अभी ये चल रहा है कि मुझे वहाँ पे इससे ज़्यादा ही पैकेज मिलने वाला है। सो व्हाई टू वरी अबाउट ब्रांच कॉम्प्रोमाइज, ओके, व्हाई टू वरी अबाउट ब्रांच कॉम्प्रोमाइज, आप फोकस करो ब्रांच पे, आपके फेवरेट एरियाज पे, और उसके बाद आप डिसाइड करो, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि ये जो डाउट था कि ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है, ठीक है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, एंड उसके बाद मैंने कंक्लूजन भी ये बताया कि ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मत जाओ, शुड नॉट बी डन, ओके, यू कॉम्प्रोमाइज़ विद द कॉलेज, ओके। सो विद दिस आई स्टॉप हियर, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसमें जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो आपके काम आती होगी। सो प्लीज़ 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 लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गेट ऑल द नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। थैंक यू।